इंदौर में जीआरपी और पुलिस ने एक निजी कंपनी के दो ऐसे सफाई कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है जो सोशल मीडिया के जरिए ट्रेन में बम होने की अफवाह फैलाते थे। वो दोनों ऐसा इसलिए करते थे कि ताकि ट्रेन लेट हो जाए और उन्हें परिवार के साथ ज्यादा वक्त गुजारने का मौका मिले। अपने परिजनों के साथ ज्यादा वक्त गुजारने के लिए ट्रेन में बम होने की अफवाह फैलाना दो युवकों को भारी पड़ गया। दोनों आरोपी रेलवे के प्राइवेट कंपनी के जरिए ठेके पर सफाई कर्मी के तौर पर काम करते थे। रेलवे पुलिस और जीआरपी ने दोनों को उज्जैन रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया। इस घटना को लेकर रेलवे एसपी निवेदिता गुप्ता ने बताया कि दोनों ही आरोपी मुंबई में रहते हैं और निजी कंपनी के ठेके पर सफाई कर्मी के तौर पर काम करते थे। इनकी ड्यूटी गोरखपुर बांद्रा एक्सप्रेस में रहती है और ये अपने परिजनों के साथ ज्यादा वक्त गुजारने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रेन में बम होने की सूचना देते थे। इंदौर जीआरपी ने उज्जैन में गोरखपुर बांद्रा ट्रेन में पहले विनोद माली को गिरफ्तार किया। उसने बताया कि मिलन रजक ही ट्वीट करता था, जिसके बाद पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी पिछले कुछ दिनों से सूरत, गुजरात, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, बांद्रा, महाराष्ट्र क्षेत्र की ट्रेन में बम की अफवाह फैला रहे थे।